राजधानी दिल्ली को देश का दिल कहा जाता है, लेकिन जिस तरह से दिल्ली की फिजाओं में प्रदूषण बढ़ रहा है, उसने युवाओं की जिंदगी को बुरी तरह से प्रभावित कर दिया है। अब अगर आपको एक नए अध्ययन के बारे में बताएं तो आपके पैरों के नीचे से जमीन खिचक जाएगी। असल में दिल्ली में ऐसे लोगों की संख्या तेजी से बढ़ रही है जो धूम्रपान नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी फेफड़ों के कैंसर जैसी बीमारी के शिकंजे में आते जा रहे हैं। इससे भी ज्यादा हैरानी की बात तो ये है कि इनमें से 70% मरीज 50 साल से भी कम उम्र के हैं। 50 साल की आयु वर्ग में भी अगर गौर करें तो फेफड़ों के कैंसर से 30 साल से भी कम उम्र के युवाओं की तादाद सबसे ज्यादा है। ये आंकड़े बेशक डराने वाले हैं, क्योंकि दिल्ली में पूरे भारत से लोग अपने सपने को पूरा करने के लिए दौड़े चले आते हैं। तमाम युवा नौकरी और रोजगार की तलाश में दिल्ली आते हैं, तो कुछ पढ़ाई करने के लिए भी दिल्ली में आकर रहते हैं। मगर इस तरह के आंकड़े वाकई हैरान कर देने वाले हैं। रिसर्च में पाया गया है कि लंबे समय तक प्रदूषित हवा में सांस लेने की वजह से फेफड़ों के कैंसर का खतरा बढ़ता जा रहा है। वैसे ये अध्ययन सर गंगाराम हॉस्पिटल और लंग केयर फाउंडेशन के सेंटर फॉर चेस्ट सर्जरी की मदद से किया गया है। डॉक्टर बताते हैं कि 1988 तक 10 में से एक मरीज धूम्रपान न करने के बावजूद फेफड़ों के कैंसर का शिकार होता था, लेकिन अब 2018 में ये आंकड़ा बढ़कर 10 में से 5 मरीजों का हो गया है। अध्ययन से साफ पता चलता है कि पहले की अपेक्षा धूम्रपान न करने वालों में फेफड़ों के कैंसर के मामले सीधे तौर पर 50% तक बढ़ गए हैं। फिलहाल बीते 3 सालों में पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं में भी फेफड़ों के कैंसर की बीमारी का प्रतिशत ज्यादा तेजी से बढ़ा है। क्यूरेन हेल्थ डेस्क से आर्थिक रिपोर्ट।